इस उपचुनाव में 23 तारीख को मतदान करना है। इसके पहले साल भर पहले जब चुनाव हुआ था, छत्तीसगढ़ की जनता ने 3/4 बहुमत दिया था। आज तक के कभी किसी राजनीतिक दल को 3/4 बहुमत नहीं मिला। बस्तर में 12 में से 11 सीट, और उसका परिणाम क्या हुआ? किसानों का कर्जा माफ हुआ, किसानों को 2500 रुपया क्विंटल के में धान खरीदा गया, 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा हुआ, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदा गया, लोहानी गुड़ा की जमीन वापस की गई, फॉरेस्ट साइड एक्ट तहत लोगों को जमीन दिया जा रहा है, लघु वनोपज की सही कीमत मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें आप याद करें, कभी बस्तर में महुआ को सड़क में नहीं फेंका गया था, इसके राज में महुआ को सड़क में फेंका गया है, इसके राज में टमाटर को सड़क में फेंका गया है। पैसा होते हुए भी आदमी भूखों मर रहे थे, नोटबंदी करके व्यापार को चौपट किया गया, लोगों का रोजगार छीना गया। रमन सिंह जी कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि रमन सिंह साल भर पहले उन्होंने कहा था एक साल कमीशन खोरी बंद कर दो। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रमन सिंह ने कहा एक साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल राज करेंगे। जनता समझ चुकी थी विकास किसका हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके ठेकेदारों का, कमीशन खोरों का। प्रदेश की जनता गरीब हो रही थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे, नौजवानों के बीच में बेरोजगारी बढ़ रही थी, ये उसकी सरकार, और इसलिए प्रदेश की जनता ने उसे नकार दिया, 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेट कर रख दिया। रमन सिंह जी कहते हैं कि दंतेवाड़ा में विकास नहीं हुआ, 15 साल दंतेवाड़ा ने आपको मौका दिया, बस्तर ने मौका दिया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने मौका दिया, लेकिन गरीबी बढ़ी है, 40% लोग गरीब हैं, कुपोषण 37.5%, हमारी महिलाएं कमजोर हो रही है, खून की कमी है, 41% महिला एनीमिया से पीड़ित हैं। रमन सिंह जी यदि सही में दंतेवाड़ा की तहसील होते तो एनएमडीसी परीक्षा दंतेवाड़ा में होता, ये लोग नहीं कराए। नरेंद्र मोदी जी को भी 5 साल मौका मिला लेकिन वो नहीं कराए, हमारी सरकार बनी और आज फैसला हो गया एनएमडीसी की जितनी भर्ती होगी उसकी परीक्षा दंतेवाड़ा में की जाएगी। यहां के नौजवानों को अवसर देने के लिए कनिष्ठ चयन बोर्ड का निर्माण हमने किया, बस्तर में परीक्षाएं होगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के, जितने भी नौजवान हैं उनको अवसर मिलेगा। ये कांग्रेस की सरकार है जो आपके हित में फैसला कर रही है, ये एक कलेक्टर था जो 3 साल का मुख्यमंत्री था, वो भी आए थे यहां वोट मांगने, तीन साल मुख्यमंत्री रहा रमन सिंह, उसी भरोसे 3 बार जीते, कहते थे मेरी सरकार बनेगी, 5 सीट मिला, 5 सीट रमन सिंह को जिताते रहे, लोग जान गए, दोनों मिलके अंतागढ़ में मंतू को खरीदा था, पता है
ठेकेदारी कर रहे थे लोग 7.5 करोड़। कहां से आया पैसा? गरीबों के चावल। 21 लाख राशन कार्ड ये लोग फर्जी बनाए थे और उसके कारण से खजाना लूटने का काम गरीबों के नाम से, जो चौर वाला बाबा बनते थे वो गरीबों के चावल के लुटेरे हो गए। आदरणीय साथियों, एक कलेक्टर को 3 साल हमने देखा, दूसरा कलेक्टर को भी शौक चल रहा है राजनीति का, इस्तीफा दिया, खरसिया में गए और खरसिया में कहा कि मुझे वोट नहीं दोगे तो कहर बन के ढाऊंगा। खरसिया के जनता ने 20,000 वोट से निपटा दिया। आज यहां दंतेवाड़ा में यहां के लोगों का भला तो नहीं किया, लेकिन ठेकेदारों को जो ठेका दिया, कमीशन खोरी उन्होंने की, आज उन्हीं लोगों को फिर से ठेका दिए हैं। दंतेवाड़ा के मतदाता टिकाऊ नहीं है जो ठेकेदार खरीद ले। दंतेवाड़ा की जनता निष्पक्ष निर्णय देंगे, हमें पूरा विश्वास है। आज शिवरतन शर्मा जी चुनाव संचालक, ये कौन है? ये वही है सीएमडीसी के चेयरमैन जो एनएमडीसी के साथ मिलके बैला डीला के 13B को उन्होंने किसको दे दिया? सुनाई नहीं दे रहा है? अब रमन सिंह और शिवरतन शर्मा बताए, ओपी चौधरी बताए, ये खदान अडानी को देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, और दिया तो क्यों दिया? इस सवाल का जवाब उनसे लीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खदान किसका होना चाहिए? अडानी का होना चाहिए? ये आपकी जमीन है, आप फैसला करेंगे किसके हाथ में हो, ये तय आपको करना है। हजारों के संख्या में इसी दंतेवाड़ा में सब आदिवासी भाई आए थे, हमने कहा कि जो स्थिति जैसी है वैसी रहेगी, ग्राम सभा फिर से बुलाई जाएगी। और ये दीपक बैज जहां के प्रतिनिधि को लेकर गए थे, हम आपके भावनाओं का सम्मान करते हैं। दंतेवाड़ा का विकास अब रमन सिंह 15 साल में नहीं कर पाए, तो अब क्या करेंगे जो विपक्ष में? उनको तो 15 साल आपने दिया है। मैं आपसे, मैं कर्मा के छोटे भाई होने के नाते आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बस्तर से और दंतेवाड़ा से मेरा आत्मीय संबंध रहा है। जब जब भी घटनाएं हुई है मैं दंतेवाड़ा आया हूं, यहां एक एक कार्यकर्ता से मेरा पारिवारिक संबंध है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार मेरी बात पे विश्वास करिए, दंतेवाड़ा में वही होगा जो दंतेवाड़ा के लोग चाहेंगे। व्यापारी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं, आज पूरे देश में मंदी है लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं है। क्यों? कि आपके ग्राहक के जेब में पैसा डालने का काम कांग्रेस के सरकार ने किया है। देश में मोटरसाइकिल नहीं बिक रही है, कारें नहीं बिक रही है, कपड़े नहीं बिक रहे हैं, सारे मजदूरों की छटनी हो रही है। अकेला छत्तीसगढ़ है जिसमें सब क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है। किसान भी खुशहाल है, मजदूर भी खुशहाल है, आदिवासी भी खुशहाल है, नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था की जा रही है और व्यापारियों के भी उन्नति का निर्णय कांग्रेस की सरकार ने किया है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, ये मौका है कि आप हमारी बात पर विश्वास करिए और विकसित दंतेवाड़ा निर्माण के रास्ते प्रशस्त करिए। यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलो दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। महान कर्मा अमर रहे, महान कर्मा अमर रहे।
जय हिंद जय छत्तीसगढ़।